दीपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि चले नमस्कारं समर्पयामि। ॐ भूर्भुवःस्वःश्री ॐ भूर्भुवःस्वःश्री कुलदेवताभ्य नमः ग्रामदेवताभ्य नमः गौरी स्वातिभ्य नमः गौरी स्वातिमिता सावित्री नित्यं ध्यायन्ति योगिनी कामदमोक्षदं देवं च श्री ओंकाराय नमो नमः। ॐ भूर्भुवःस्वःश्री ओंकार देव नमस्तुभ्यं क्षेत्ररक्षा करोतु मे परम कलम त्रिपुरीश्री क्षेत्रपालाय नमो नमः। ॐ श्रांश्री श्रंसाश्री क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। पाद्य अर्घ आचमनं समर्पयामि नमो नमः। पाद्य अर्घ आचमनं समर्पयामि भगवान श्री विष्णु देवताये नमो नमः। इसके अंदर कलश को नमस्कार नमस्कार अब हमने कलश में से पूरा करें क्या बोले अरे मिल कर क्या
बोले आज मुझे ये कैसे बेटा बन गए अबे सिक्के रखने की सबसे दुनिया में दान देना कन्यादान औखा बिगड़ लक्ष्मी का बंदा नहीं ले सकता। तो वे कहते ना जब शादी होते हैं लड़की जब दान दी गई व्यक्ति को दोबारा वापस नहीं देती। जब लड़का लड़की का दान लेता लक्ष्मी स्वरूप में तो वो दान धरती माता की बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए लक्ष्मी है माता लक्ष्मी तेरे सहारे में लक्ष्मी ग्रहण कर रहा हूँ तो बस तू मुझे उसको सहने की मेरे साथ चलने की क्षमता मुझे प्रदान कर दिए सिक्के। जय माता दी बोलो जय माता दी। दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा है ऑनलाइन नहीं है।
दीदी को ओके भैया बोल सामने ओके भैया सामने भैया देखना थे ओके सामने डन दे दो कार्तिक नहीं मीनारी आपका भाई आज के लिए पंडित जी ने हर बार ये बोला आज के लिए आज के लिए जीवन बनना सोचो आज के लिए पंडित जी हमेशा स्टेरिक मार्क दे रहे हैं वो देखो ये देखो सारे भगवान उसके पीछे बैठे तो भाई इनका हाल पूछो क्या है आज के पहले नहीं खड़ा हो गया फिर निकाल बच्चे हैं बच्चे मतलब आज की वेडिंग है किसका है शादी करने को भी Thank you.
बन रहे हैं। मैं घूमता हूँ यहाँ पे आगे खाली हो गया। Oh, my God.
दिखाओ मैम कहाँ पे है। मंजे तो आपका तो बीत गया पर इनका बीतना है। या तो देखो आप बोलो या फिर मेरे को बोलने दो, मैं चुप बैठ जाता, फिर आप बोलो आपको हो। इधर 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 वो मेरे को सब जा रहे हैं। हे पतिदेव, मेरे माता पिता ने मुझे बड़े क्लेशों से, बड़े दुखों से, सुखों से पाला है। मैंने अपने पिता के घर कभी गरीबी नहीं देखी, सब कुछ मेरे पिताजी मुझे जो मांगने से पहले देते थे। मैंने पिता के घर अमीरी भी देखी। अब कन्या क्या कहती है परेशान में कि हे पतिदेव, जब अब मैं आपसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही हूँ, अगर आपको मुझे अपनी पत्नी बनानी हो तो मेरा पहला वचन लड़की क्या कहती है कि जैसे कि मेरे माता पिता ने एक जल के द्वारा कि मेरा दान आपको दिया है, सब रिश्तेदार ब्राह्मण सगे गोत्र संबंधी के सामने दिया है, तो लड़की कहते ही है पतिदेव, जैसे मेरे माता पिता ने मुझे पाला तो क्या आप मेरा पालन पोषण करोगे। ये लड़की का पहला वचन आपको मंजूर है? तो बोलो भगवान विष्णु भली करे, भगवान विष्णु भली करे। भाई सुना सबने कबूल है लड़के के पिताजी, बात मेरा सुना ना, मेरे को सुन लो। कैसे मिटा दे, एक लाइन लड़की दूसरे बच्चन अरे सुनो और बुढ़ापा रह गया। कन्या क्या कहते है कि जैसे मेरे पति ने मेरे पिता ने मुझे सुखों से, हसोना आप इनकम कमाते हो, आप कितना बचा के रखते हो, आप कितना किसी की सेवा में करते हो, ये आपको मुझे बताना होगा, इसीलिए कि मेरा पति क्या कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख सारी चीजें आ गई है। अगर मुझे पता हो तो मैं अपने पति का सुख दुख में पूरा पूरा साथ दिया करूंगी। इसी तो मंजूर है, देखो आए हो ये वाला बहुत धीरे से बोला, जोर से बोलना है। चौथा वचन सुनो, बाद में आप कॉम्प्लीमेंट करो। बाकी दुनिया में दो ही मौसम है, गर्मी और बारिश। इस तीन मौसमों में छह ऋतु आती है, तो छह ऋतु में नाना प्रकार के फल है, मिठाई है, व्रत है, त्योहार है, पे देनी पड़ेगी। क्या ये आपको लड़के का चौथा मंजूर है? संस्कृत बोलता तो आपको समझ आता, आपने कहना कि बार बार समझा, इसलिए हिंदी समझा कि इनको भी समझ आए। लड़की का किस्सा बदली पड़ी हो, लेकिन आप उसको बिना तो लड़की के पीछे अगर घर में कोई पर्याप्त चीज पड़ी हो आप मुझे बताना होगा कि आप घर में क्या ला रहे हैं, ताकि मैं बताऊंगी आपको कि लाना है या नहीं, घर के स्थिति के अनुसार है। तो बोलो विष्णु भगवान मंजूर है, बाहर जाना है घर के बाहर, किसी मेरे सहेलियों के पास मना नहीं करना है, जैसे आकर समझाओगे तो लड़की का आपको बंदी रहे।
आपने कहा था हमें सातों से सुनने बड़े मैं सातों सुन रहा हूँ पंडित जी छेद क्या पंडित जी बात ये हो रही है सब बात पता क्या पंडित जी सात बजे लोग सुन रहे हैं लोग रात में पंडित जी हमें याद आ गया पंडित जी क्या आप क्या कर रहे हैं क्या बोलिए क्या हुआ सातों से तुम लड़की क्या कहते हैं कि है पतिदेव आप घर में जो भी पाठ पूजा करोगे जो भी अपने रिश्तेदारों को अपने पुरोहित को किसी पूजा पाठ निमित्त दान पुण्य करोगे उसका आधा हिस्सा मैं आपसे लिया करूंगी आधा हिस्सा लिया करूंगी और हमारे शरीर के संयोग से जो भी पाप निर्माण होगा उसका आधा हिस्सा आपको देना पड़ेगा ये पतिदेव मैं आपकी अर्दानी हूँ इसलिए आपको मुझे अपने देना पड़ेगा लड़के का सातों चोर आपको अब देखो पूरा बोलने दो आप इसका बोलते मुझे पूरा बोलने मुझे बोलने दो पूरा लड़का क्या कहता कि हे लड़का कहता है कि हे मेरी प्रिय पत्नी जब तुमने कभी घर से बाहर जाना हो कहीं जाना हो तो तुझे मुझे बता के जाना पड़ेगा या मेरे परिवार के किसी सदस्यों को बता के जाना पड़ेगा या किसी को साथ ले जाना पड़ेगा क्योंकि क्या था यही कारण था कि लड़की को क्यों पूछा जाता है कि लड़की को घर को बता के जाए अपने पति को सास ससुर देवर को जो भी घर के सदस्य इसलिए बता के जाना पड़ता था कि वही गलती माता सती ने की थी जब लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी वो बाण से तो वो क्या था लक्ष्मण जी खड़े तो कुल की मर्यादा थी इसीलिए अरे सीता माता ने लक्ष्मण ने खींची थी सीता को मंजूर है बस मिटाने अभी मिटाने में सारी गलती मिटाने पहले सारे वचन तो सुनो दूसरे वचन में लड़का कहता है कि हे प्रिय मध्याने लड़का कहता है कि हे प्रिय कभी भी अगर कोई शराबी व्यक्ति मेरे पास खड़ा हो गई या कोई मेरा रिश्तेदार आ गया मेरा कोई मित्र आ गई अगर उसने शराब पी ली होगी तो तुमने पास नहीं आना मेरे बुलाने से भी नहीं आना क्यों क्योंकि शराबी व्यक्ति का कोई एतबार नहीं होता हर बार में बताना भी तो पूरा करने तो उसका बाद में बताएंगे लड़का कहते हैं आपका दूसरा मेरा तो सबसे आपको मंजूर है अब जब वो तीसरा वचन में लड़के कहते हैं तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी क्या करोगी क्योंकि पत्नी के भगवानी उसके पति होते हैं कौन होते हैं पत्नी के भगवान सुन लो इसमें पत्नी के भगवान कौन होते हैं पत्नी परमेश्वर कहते ना पति परमेश्वर है इसलिए लड़का कहता है कि हे प्रिय आपको बस न कर दिया इसलिए लड़का क्या कहता है कि हे प्रिय ऐसा कोई चीज ना हो कि जो कि मेरा अपमान मेरे प्रति कोई कटु वचन बोले तो बर्दाश्त ना कर सके आपका पति कहता है कि तूने जहाँ जाना हो तो तुझे मुझे बता के मुझे पूछ के जाना होगा लड़की का या लड़के का आपको तीसरा वचन मंजूर है चौथा वचन में लड़का कहता है कि आज तुम अपने पिता का घर छोड़ के मेरे घर में आई हो तुम्हारे माता पिता ने
एक जन के अंजलि द्वारा छोड़ दिया है। पिता के कुल, पिता की परंपरा, पिता के घर के किसी और सारे तुमने छोड़े। तो पति क्या कहते हैं, हे प्रिय, मेरे घर में जो मेरे कुल के रीति रिवाज के वाक चलेंगे, जो मेरे घर में सारा घर में सारे संस्कार चले आ रहे, हे प्रिय, आज के बाद वो सारे तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम अपना गोत्र छोड़ के मेरे गोत्र में आई हो। तुमने अपने पिता का घर छोड़ दिया, तुम्हारे पिता ने एक जन के अंदर जरा मुझे दान दिया है, तुम करे मिटा दे। पाँच होते हैं इधर देखना पिताजी और माताजी मैम सीता मंगले शिवे सभा शादे शन्य चरम के गौरी नारायणी नमस्ते सब देखने को हरि ओम महा भूखा विश्ववेदा हरि ओम महा टोपी लगा लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, बिंदु मार लेते हैं।
हमने लगाई नए सजने आए न बागों में नए केला किसने लगाए नए सजने आए रुके न समय दीपे सूटे न अरे चार दो यार सूट मेरे और क्या हमने तो लहंगा डाला है अरे चार दिन लहंगा आपको क्या ना हम लोग को मिठाई दे दो सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी लाडो तेरे हाथों में बन्नो विदाई वाले हंजू भरे है तेरी आंखों में याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी तेरी बाहों का झूला वो पल ना वो डोरी अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी मुझे बुलाएंगे वापस वो जो बारे वो तेरे कभी हंजू नहीं आए
मुझे भी थोड़ा सा आंटी आपको रात में दवाई भी खाते शुगर की अभी 7 बच्चन नहीं है वही संभालेगी डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है 5 बच्चन के बाद फिर ऐसे ही दे दोगे ये वाला याद है फाइनेंस वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है एक ही याद है अभी तो बात कीजिए इनसे बात कीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके पास है जूते आपके है ना तो जूते भाई वो मेरी है तो लड़की गूगल पे मार हम चल झूठे दे कितने लोग हैं आप अपने हिसाब से बोलो 7-8 लोग अभी मार्केट गए हो
डबल रेट पे तो जीता वैसे कोई नहीं देगा। मैम बन गया परदेश घर जन्म का मिली है दुनिया मुझे नहीं नाम जो पिया से मैंने जोड़ा मैं रिश्तों से बंध गई मेरे ससुर जी पिता है पति देवता है देवर छवि कृष्ण की और ये खुले खुले चल रहे हैं।